हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना कक्षा 12वीं में भौतिकी के विज्ञान का नया अध्याय, और वो है वैद्युत धारा। तो आज ये पार्ट वन है हमारे वैद्युत धारा का। तो इससे पहले हम दो चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं, और उन दो चैप्टर में हमने बेसिकली क्या पढ़ा था? हमने उनमें पढ़ा था वैद्युत आवेश के बारे में। यहाँ पे भी हम आवेश के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो आवेश हमने इससे पहले वाले दो चैप्टर में पढ़ा था वो आवेश कैसा था? वो आवेश स्थिर अवस्था में था। स्थिर अवस्था में हम उस आवेश के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, उसके साथ जुड़े हुए और चीजों के बारे में हमने देखा था। लेकिन वैद्युत धारा चैप्टर में हमारा पास जो आवेश होगा, वह आवेश स्थिर ना होकर वो गतिमान होगा, क्योंकि वो आवेश जब गतिमान होगा तभी तो वहां पे वैद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन ये चैप्टर वैद्युत धारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप इसके बारे में कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हो, क्योंकि कक्षा 10वीं में हमने जो कुछ भी पढ़ा था हम उसे यहाँ पर दोबारा पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसे थोड़ा और डिटेल में हम उसे यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अगर आप पूछेंगे कि ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसका क्वेश्चन क्या होगा बताइए? क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में अपने चारों ओर वैद्युत धारा को किसी न किसी रूप में जरूर देखते होंगे, या फिर कहीं ना कहीं इस वैद्युत धारा का उसमें इन्वॉल्व रहता है। जैसे एक स्विच ऑन करते ही टीवी चालू, एक स्विच ऑन करते ही फ्रिज चालू, गीजर चालू, वॉशिंग मशीन चालू, न जाने कितने सारे डिवाइसेस जहां पर वैद्युत धारा का ही रोल होता है। तो इसलिए हमें इसके पीछे की कहानी क्या है उसको समझने के लिए सबसे पहले वैद्युत धारा को जानना जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम वैद्युत धारा को ही जानने वाले हैं। वैद्युत धारा आखिर बहती कैसी है, उसका कारण क्या, उसको जानेंगे, और सर्किट में यूज होने वाले और सारे डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो कि कहीं ना कहीं वैद्युत धारा से ही कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और आज के पार्ट वन में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में, चालक में वैद्युत धारा, ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वैद्युत धारा की, जिस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिसिटी करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी करंट? ऑफ कोर्स अगर हम करंट की बात करें, क्योंकि ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट। तो करंट क्या होता है? तो करंट होता है आवेश। आवेश के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो आवेश जब बहता है, जब आवेश बहेगा तो उसको बोलेंगे करंट, यानी कि धारा। और इलेक्ट्रिसिटी क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है जो क्या उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रॉन्स को। वो क्या उत्पन्न करती है? इलेक्ट्रॉन को, राइट? तो वैद्युत धारा क्या हुई? वैद्युत धारा क्या होती है इसको समझने से पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में यहाँ पर एक बैटरी लगी है और यहाँ पे एक बल्ब लगा है। अब बताइए ये बल्ब कैसे ग्लो करा? इस बैटरी ने क्या करा, इस सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉन को ऐसी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिसिटी दी, जिससे क्या हुआ, ये जो आवेश थे, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगते हैं, वो गतिमान अवस्था में आते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वहां पे क्या फ्लो होती है? इलेक्ट्रिसिटी करंट वहां पे फ्लो होती है और ये बल्ब ग्लो करना शुरू करता है। तो वैद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत धारा किसी भी चालक में, ध्यान रहे चालक में, आवेश प्रवाह की दर को चालक में प्रभावित वैद्युत धारा कहते हैं। यानी कि धारा को, वैद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल आई से। तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी। जैसे हमने बोला ना, आवेश मतलब क्यू के प्रवाह की दर को हम कहते हैं वैद्युत धारा। सिर्फ वहां पे आवेश बह रहा है उसको हम वैद्युत धारा नहीं कहेंगे, बल्कि वह आवेश कितने समय की दर से बह रहा है, यानी कि वो कितने रफ्तार से बह रहा है, कितनी तेजी से वो गति कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करती है वैद्युत धारा। तो I बराबर होगा Q बटे T। तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। वैद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, और वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। आप ये जानते हैं कि वैद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? वैद्युत धारा की एक दिशा होती है जो कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है।
और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है माइनस से पॉजिटिव की तरफ, यानी कि वैद्युत धारा की दिशा हुई प्लस से माइनस की तरफ। इसके पीछे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्यों होती है, बस हमने ये मान लिया है। लेकिन अब आप कहेंगे कि जब इस वैद्युत धारा की एक दिशा होती है तो यह अदिश राशि क्यों हुई? तो इसका सिंपल सा जवाब यह है कि वैद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर किसी बिंदु पर यहाँ से कोई धारा प्रभावित होकर आ रही है, तो यहाँ से कोई धारा प्रभावित होकर आ रही है और यहाँ से कोई एक धारा यहाँ से निकलती है, मान लेते हैं ये 2 एम्पेयर की धारा है, ये 1 एम्पेयर की धारा है, तो मैं अगर आपसे पूछूंगी कि यहाँ से 2 एम्पेयर की धारा आ रही है, यहाँ से 1 एम्पेयर की धारा आ रही है, तो इस लाइन में कितनी धारा प्रभावित होगी? तो आप इसका आंसर कैसे देंगे? आप बोलेंगे ठीक है, यहाँ से तो 3 एम्पेयर की धारा प्रभावित हो रही है। तो आपने कैसे करा? आपने सिंपल बीज गणित का योग करा इसका, यानी आपने करा 2 प्लस 1 दैट इज 3, एंड यहाँ पे 3 एम्पेयर की धारा प्रभावित हो रही है। तो क्या आपने यहाँ पे सदिश योग का नियम लगाया, जो कि सदिश राशि होने के लिए इम्पोर्टेंट होता है? तो आपने नहीं लगाया और आपको लगाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इसकी दिशा तो होती है, लेकिन इसका परिमाण भी होता है, लेकिन ये सदिश के योगफल के नियमों का पालन नहीं करती है, तो इसलिए यह एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत धारा हम समझ चुके हैं कि वैद्युत धारा क्या होती है, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि ये एम्पियर क्या होता है। कोई पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप बताइए, हम इसका सूत्र जानते हैं कि I बराबर होता है Q बटे T। क्या होता है? Q बटे T होता है। तो हम ये कहते हैं कि और I का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा कब प्रभावित होगी उससे, चालक से बताइए। 1 एम्पियर धारा उससे तब प्रभावित होगी जब एक गुलाम आवेश उस चालक से 1 गुलाम आवेश 1 सेकंड में प्रभावित हो रहा होगा, है ना? सिंपल सा। तो हमने ये यहाँ पे लिखा है कि जब एक अनुप्रस्थ कांड से 1 सेकंड में 1 गुलाम आवेश प्रभावित होता है, तो उस चालक में से प्रभावित धारा का मान 1 एम्पियर होता है ना? तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वैद्युत धारा का अनुभव करते हैं, तो उस वैद्युत धारा का मान कैसा होता है? घरेलू उपकरण, उसमें जो धारा होती है तो उसमें जनरली धारा का जो मान होता है वो होता है 1 एम्पियर। आसमानी बिजली होता है ना, बहुत सारे आसमानी बिजली गिरती है, उसमें भी धारा होती है, उसका मान होता है 10 टू द पावर 4 एम्पियर। कितना ज्यादा मान है। और मानव शरीर भी एक चालक है, एक कंडक्टर होता है, तो मानव शरीर में जो तंत्रिकाएं होती है उसमें धारा का मान कितना होता है? दैट इज 10 टू द पावर -6 एम्पियर। अब हम बात करते हैं धातुओं का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज में किस तरह से जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है। हम क्यों पढ़ रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों को? क्योंकि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं किसी चालक में वैद्युत धारा के। तो सबसे पहले बात करते हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आखिर होते क्या है। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि उस चालक में फ्री मूव करते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, राइट? मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के बंधन से मुक्त रहते हैं, राइट? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना परमाणु के बारे में, राइट? परमाणु के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें हमें पता है कि परमाणु में एक नाभिक होता है जो कि धनात्मक होता है। उस नाभिक में क्या होता है? प्रोटोन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं नाभिक के बंधन से बंधे हुए रहते हैं, लेकिन लेकिन हम यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं जो नाभिक के बंधन से मुक्त रहते हैं, तभी तो हम उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, राइट? ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं किसी चालक में गति के या वैद्युत धारा के प्रवाह के लिए। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूरे चालक में गति करते रहते हैं।
जो ये मृत इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालकता के अनुक्रमानुपाती होते हैं, मतलब जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उस पदार्थ की चालकता उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे कि चांदी, चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है धातुओं में। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वही धातु चालकों में धारा प्रवाह का कारण करते हैं। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो हमें यहाँ से मिल गया कि वैद्युत धारा को प्रवाह का कारण कौन होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें? धातुओं में, धातु चालकों में। एक और चीज समझते हैं, दैत्य इलेक्ट्रॉन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को समूह को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस। चलिए इसको और अच्छे से आगे समझते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब हम देखने वाले हैं चालक में वैद्युत धारा। हम ये तो समझ चुके हैं कि वैद्युत धारा किसमें प्रभावित होगी? चालक में। अचालक में क्यों नहीं? क्योंकि अचालक में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, क्योंकि वो वैद्युत धारा का प्रवाह होने ही नहीं देंगे खुद से, राइट? तो चालक में ही हम बात करेंगे कि वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो चालक में क्या होते हैं? चालक में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन जो वैद्युत धारा के प्रभाव में योगदान देते हैं। तो क्या होता है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र को अनुपयुक्त करते हैं या लगाते हैं किसी भी सर्किट में, तो उससे वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। देखिए, हमारे पास कोई चालक है और इस चालक को हमने जोड़ दिया है एक बैटरी से, एक बैटरी से जोड़ दिया है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने पर यहाँ से वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है इसको भी हम जरूर समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात करते हैं क्या होगा कि अगर वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है तो क्या वहां पे वैद्युत धारा नहीं बहेगी, या फिर क्या वहां पे इलेक्ट्रॉन उस समय शांत बैठे होंगे? तो ऐसा नहीं है। जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है तब भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो वहां पे वैद्युत धारा का प्रभाव क्यों नहीं होता है? चलिए इसको समझते हैं। जब वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, यानी कि E बराबर वहां पे अगर 0 है, तो उस कंडीशन में भी जो है इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गति करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। लेकिन जब वे ऐसा कर रहे होंगे, मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है और इस चालक में हमारे पास वैद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, और यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित है ही, वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तापीय गति करते हैं। वो तापीय ऊर्जा के कारण तापीय गति करते रहते हैं। वो इधर उधर क्या होते हैं? करते रहेंगे, गति करते रहेंगे। और वो क्या करेंगे? अपने आबंध आयनों के साथ क्या करेंगे? संघट करेंगे, यानी कॉलिजन होगा उनके बीच में। किनके बीच में? इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में क्या होगा? कॉलिजन होगा, संघट होगा। जब संघट होता है तो संघट के पश्चात क्या होता है कि उनकी जो वेग होगा, उनकी जो चाल होगी, वो संघट से पहले की चाल के बराबर ही होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उनकी चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन उनकी जो चाल की दिशा होती है उसमें क्या होता है? उसमें परिवर्तन होता है। यानी कि वो कैसे दिशा में गति करेंगे? मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इस दिशा में गति कर रहा होगा, उसी समय दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ इस दिशा में गति कर रहा होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहा होगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन की गति होगी वो रैंडम गति होगी, यानी कि वो यादृच्छिक गति होगी। वो कुछ इस तरह से है, रैंडमली मोशन कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। और जब ऐसा मोशन करते हैं तो हम बोलते हैं कि औसत रूप से एक एक विशेष दिशा में गति करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी जो दिशा होगी वो उसके ठीक विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की दिशा के बराबर हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, ठीक है? तो कुल मिला के कहानी यह है कि वैद्युत क्षेत्र के अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन शांत नहीं बैठे रहते हैं, बल्कि उनमें गति होती रहती है। और वो गति क्यों होती है? तापीय ऊर्जा के कारण। और तापीय ऊर्जा के कारण वो तापीय गति करते हैं। उस तापीय गति करते हुए वे संघट करते हैं अपने आबंध आयनों से।
जब ऐसा करते हैं संघट के पश्चात उनकी जो गति होगी, उनकी जो चाल होगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उनके चाल की दिशा में यादृच्छिक, वो यादृच्छिक जो उनकी मोशन है वो हो जाती है। ऐसा करने पर उस चालक में वैद्युत धारा जो होगी औसत रूप से किसी विशेष दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या उस दिशा के ठीक विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाती है और वहां से नेट वैद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की कि क्या होता है जब हमारे पास उस चालक पर हम एक वैद्युत क्षेत्र को हम उत्पन्न करते हैं या अनुपयुक्त करते हैं, तो क्या होता है। तो उस केस में क्या होता है कि मान लेते हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई, एक सेल लगा दिया है। उस सेल को लगाने पर इस चालक में क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो ये वैद्युत क्षेत्र इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल उत्पन्न करता है। उस बल के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और इनमें और वो त्वरित हो जाते हैं, एक्सेलरेटेड हो जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन। और ऐसा करने पर, लेकिन ये ध्यान रहे कि जब ये त्वरित हो रहे हैं साथ ही साथ उसमें एक यादृच्छिक मोशन भी चल रहा है, वो यादृच्छिक गति भी कर रहे हैं और वो त्वरित भी हो रहे हैं, तो इस समय जो क्या होगा, इस समय इसकी वजह से वहां पर वैद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है, वहां पर इस वजह से वैद्युत धारा का उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पे एक और बात आप ये याद रख सकते हैं कि जब ये सब गति हो रही होती है, जब ऐसा सब कुछ ये सिचुएशन बन रही होती है, तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो औसत वेग को प्राप्त करते हैं और उस औसत वेग को हम कहते हैं अपवाह वेग। इसको प्रदर्शित करा जाता है वी जी से। वी डी क्या होता है, वी डी होता है अपवाह वेग। इसको हम आगे वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे वी डी क्या होता है। अभी के लिए आप इसको यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि औसत वेग जब वैद्युत क्षेत्र को अनुपयुक्त करने पर जब किसी चालक के इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग को प्राप्त करते हैं उस औसत वेग को हम कहते हैं अनुगमन वेग। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ चुकी है कि चालक में वैद्युत धारा कैसे प्रभावित होती है। जो बैटरी लगी होती है या जो सेल लगा होता है उसका काम क्या होता है, वो बेसिकली एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, जो कि इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, उनको त्वरित करता है जिससे वैद्युत धारा वहां पे उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओम के नियम का। तो ओम के नियम आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो विभवांतर अनुक्रमानुपाती होता है उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा के। V मतलब हुआ विभवांतर और I मतलब हुआ धारा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि हम इस डायग्राम से कह सकते हैं, यहाँ पे मान लो करंट है मतलब I है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास V है, तो इनके बीच में जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये क्या दिखा रहा है कि जिस तरह से हम धारा को बढ़ाएंगे या फिर जिस तरह से हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं उसे लीनियरली वहां पे धारा भी बढ़ती जाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं जब हम अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो वहां से हमारे पास एक नियतांक आता है, वो नियतांक होता है आर। बी बराबर आई आर आ चुका है हमारे पास, दैट इज ओम का नियम। यहाँ पे आर क्या होता है, आर एक अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है जिसे हम कहते हैं उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध। क्या कहते हैं, उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध होता है आर। तो ओम का नियम आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो विभवांतर होता है वो वैद्युत धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, वैद्युत धारा बढ़ेगी तो धारा भी बढ़ेगी और विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी, विभवांतर कम होगा तो धारा भी कम होगी, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध, दैट इज रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी चालक में वैद्युत धारा कौन उत्पन्न करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि आवेश करते हैं, आवेश को प्रभार के कारण ही वैद्युत धारा वहां पे उत्पन्न होती है।
प्रतिरोध क्या करते हैं? प्रतिरोध का काम होता है किसी चालक का वह गुणधर्म जो चालक में वैद्युत धारा प्रभाव का अवरोध करता है, यानी कि उसमें बाधा डालने का काम करता है, दैट इज प्रतिरोध। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम ओम के नियम से कह सकते हैं कि आर बराबर होता है वी बचे आई, जिसका मात्रक क्या होता है? आर का मात्रक होता है ओम, जिसका चिन्ह इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिरोध क्या हुआ? किसी चालक का ऐसा गुणधर्म जो उस चालक में प्रभावित होने वाली वैद्युत धारा के मार्ग में कुछ अवरोध, कुछ बाधा डालने का काम करता है, उसको हम कहते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम क्या करते हैं? ओम में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसकी कुछ यूनिट होती है, वो आपको याद होनी चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। तो 1 किलो ओम बराबर होता है 10^3 ओम, 1 मेगा ओम बराबर होता है 10^6 ओम, और 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 10^-6 ओम। अब हम बात करते हैं कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि अगर हमें कोई प्रतिरोध बनाना है तो उस प्रतिरोध को बनाते हुए, यानी उस प्रतिरोध का जो मान होगा, उस रेजिस्टर का जो मान होगा, वो क्या बढ़ाने पर उसका मान बढ़ेगा, क्या बढ़ाने पर उसका मान घटेगा, मतलब कुल मिला के वो प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो हम जानने वाले। तो किसी चालक की जो प्रतिरोध होता है वो उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, उस चालक की कितनी लंबाई है उस पर निर्भर करता है। किस तरह से निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि लंबाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल पर कैसे करता है, ये उस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल जितना कम होगा उसका प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, है ना, उल्टा करेगा मतलब। इसके साथ ही प्रतिरोध किसी पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, और टेम्परेचर पर तो निर्भर करता ही है। तो इन सारे फैक्टर पे जो है हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। तो इन दो कंडीशन को लेते हुए हमारे पास एक सूत्र निकल कर आता है, इनको जब हम कंबाइन करते हैं दोनों इक्वेशन को, उसके बाद हमारे पास एक सूत्र आता है, और वो सूत्र होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। जो रो है वो कहाँ से आया? वो अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हुए आया, क्योंकि अब जब पीछे वाली इक्वेशन को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आएगा? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए आएगा। और जब आप इस अनुक्रमानुपाती साइन को हटाओगे तो आपके पास एक नियतांक आएगा, और उस नियतांक को बोलते हैं रो। ये रो क्या होता है? रो होता है वैद्युत प्रतिरोधकता। ये वैद्युत प्रतिरोधकता का सूत्र आप यहां से निकाल सकते हैं, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बटे एल। इसका मात्रा क्या होता है? ये जो वैद्युत प्रतिरोधकता होता है उसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम रिव्यू देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने देखा कि धातुओं में धारा प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालकों में वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि जब उनको वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में वैद्युत धारा उत्पन्न होती है, और किसी चालक में धारा प्रभाव में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध पदार्थ की लंबाई, उसके क्षेत्रफल, पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। हमने ओम का नियम देखा, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे धारा घनत्व, चालकता और इन सभी के बीच में कोई संबंध। तो थैंक यू।